ये एक मेरे हाथ में रिजेक्शन लेटर है जहाँ पे आपको देख रहा होगा कि लिखा है उन्होंने यू विल नॉट लीव कैनेडा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, ये स्टडी परमिट है, इनका नाम है स्नेह सोनी एंड इनके हमने केप्स नोट अप्लाई किए। अब डिफरेंस बताता हूँ कि रिजेक्शन लेटर और केप्स नोट का डिफरेंस क्या है, आपको क्या चीज़ पता लगेगी। ये तो आपको जस्ट एक लाइन लिखी है, आपको कोई आइडिया नहीं दिया कि हमने आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की है, कोई आइडिया नहीं, जस्ट उन्होंने ये कह दिया कि हमें लगता है कि आप कैनेडा लीव नहीं करोगे। अब जब आपको ये दिखाऊंगा मैं इनके केप्स नोट मंगवाए हैं, आपको देख रहा होगा कि पूरा का पूरा पैराग्राफ है जो कि इनकी एप्लीकेशन के रेलेवेंट है, पूरा पूरी डिटेल दी है कि हमने आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की है। तो अगर तो आपने वीज़ा लेना है तो अप्लाई करें केप्स नोट। अगर आपने जस्ट ट्राई करनी है, कंसल्टेंट के पीछे लगना है कि हाँ जी बस कंसल्टेंट ने कह दिया कि वीज़ा आ जाएगा, यू विल नॉट लीव कैनेडा, हम सेटिस्फाई कर देंगे कि हाँ हम कैनेडा लीव करेंगे, मेन बात है कि उनको क्यों लगा कि आप कैनेडा लीव नहीं करोगे, क्यों लगा उनको, वो डिटेल सारी की सारी इस केप्स नोट के अंदर है। सो मैं पुनीत शर्मा फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज से आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैं अथेंटिकेटिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा इस यूट्यूब चैनल पर। सो मेरा मोटिव यही है कि आपका टाइम और पैसा खराब ना हो। अगर तो आपका वीज़ा लगेगा तो भी ठीक है, नहीं लगेगा तो भी ठीक है, आपका टाइम और पैसा खराब ना हो। आपको अगर आपकी रिजेक्शन आती है तो सही तरीका क्या है एप्लीकेशन लगाने का, ये भी नहीं है कि आपने केप्स नोट अप्लाई कर दिया उसको सेटिस्फाई कर दिया, ये भी चीज़ नहीं है, उसके बाद भी बहुत वर्क करना पड़ता है एक एप्लीकेशन पे। बट हमें एक आइडिया मिल जाता है, चाहे कितना भी बंदा एक्सपीरियंस हो वो रिजेक्शन लेटर के हिसाब से फाइल लगाता है, लकीली वीज़ा आ सकता है बट वो पक्का नहीं कह सकता। बट अगर हमें केप्स नोट मिल जाते हैं एक बार, अगर हमें पता चल जाता है कि वीज़ा ऑफिसर ने हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, तो ही हम उसका आंसर कर पाएंगे। सो ये केप्स नोट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, हर केप्स नोट आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। डेली हमें केप्स नोट रिसीव होते हैं, डेली हम अप्लाई करते हैं। अगर आप भी अपनी केप्स नोट अप्लाई करना चाहते हो देन यू कैन कॉल अस, नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। एंड ये केप्स नोट भी आप देखो, पूरा वीडियो को देखो, पता करो कि इस एप्लीकेशन का रिजेक्ट क्यों हुआ, कहीं आपकी एप्लीकेशन सेम तो नहीं है, तो आपका आइडिया इसमें मिल जाएगा। रिजेक्शन आती है बट रिजेक्शन का ये बात नहीं है कि आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा, वीज़ा मिलेगा अगर आप वीज़ा अफसर के क्वेश्चंस को आंसर करोगे। बट क्वेश्चन कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन ये नहीं है कि आप उनका कैनेडा लीव नहीं करोगे, क्वेश्चन कुछ और ही होता है जो कि आपको केप्स नोट में मिलता है, ये तो जस्ट एक सबसेक्शन होता है। सो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों की लिंक मैंने दी है, जस्ट इंस्टाग्राम की लिंक के आपको हमारा जो पेज है इंस्टाग्राम पे वो फॉलो करना है। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी मेहनत आपको अगर अच्छी लगती है तो यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केप्स नोट के बारे में देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये तो उनका केप्स जो रिजेक्शन लेटर है कि स्नेह सोनी दीपक है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे एज रिक्वायर्ड बाय पैराग्राफ। तो ये चीज़ उन्होंने बताई है कि आपको हमें लगता है कि आपको कैनेडा लीव नहीं करोगे, ये रिजेक्शन लेटर है। अब देखो केप्स नोट, ये सारी चीज़ें वीज़ा ऑफिसर ने इसकी नोट की है, इसके बिहाफ पे उसने रिजेक्ट किया है, ये वीज़ा ऑफिसर के क्वेश्चंस हैं। आपके केस में उसको क्या वीज़ा ऑफिसर को लगा, क्या नेगेटिव चीज़ मिली आपके केस में, वो ही पता चलेगी केप्स नोट में। तो चलिए आज हम इसमें देखते हैं। तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि हमेशा अगर रिजेक्शन आ जाती है तो केप्स नोट अप्लाई करें। एंड आपको मेन बात बता दूं कि केप्स नोट 5-10 हज़ार लेते हैं मार्केट में, इसका इतना प्राइस नहीं है। अगर आप हमसे सर्विसेज लेते हो, हमसे अप्लाई करवाते हो, अपना केस हमको देते हो, आप हम पे ट्रस्ट करते हो, देन आपके केप्स नोट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप मार्केट में जाओगे कोई 10 हज़ार बोलेगा, कोई 5 हज़ार बोलेगा, कोई कितना बोलेगा, बट अगर आप हमसे अप्लाई करवाते हो, हमारी सर्विसेज लेते हो, देन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन ये हमारा हेडेक होता है कि हम जल्दी से केप्स नोट निकलवा के हम देखें कि बच्चे की एप्लीकेशन कैसे प्रिपेयर करके हम आपका जो रिजल्ट है अच्छा पॉजिटिव लेके दे सकते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि वीज़ा ऑफिसर है जो अब बोल रहा है सबसे पहले कि आई हैव रिव्यूड ऑल इन्फॉर्मेशन बिफोर मी इंक्लूडिंग क्लाइंट्स प्रीवियस एजुकेशन ऑफ सर्विसेज, एजुकेशन ऑफ सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इन 2019 में इन्होंने अपनी प्लस टू की है। क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग स्टडी परमिट टू अटेंड अ कॉलेज एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मेजर है फाइनेंशियल प्लानिंग एट सैनिका कॉलेज है। तो उसने बोला कि योर प्रपोज स्टडीज आर नॉट रीजनेबल इन लाइट क्वालिफिकेशन प्रीवियस स्टडीज एकेडमिक रिकॉर्ड, ये चीज़ जो है कि मुझे अच्छी नहीं लगी, फाइनेंशियल एबिलिटी, योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड प्लान्स,
कि आपका स्टडी प्लान इतना स्ट्रांगली है। एप्लीकेंट जहाँ से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, एप्लीकेंट डज नॉट अपीयर एस्टेब्लिश इन होम कंट्री। मेन चीज मतलब क्या है कि जो एप्लीकेंट है वो इस्टेब्लिश ही नहीं है अपनी होम कंट्री में, उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सीए रिपोर्ट नहीं लगवाई, अच्छा फंड शो नहीं किया। एस्टेब्लिशमेंट हम होम कंट्री में कैसे शो करते हैं कि हमारे पास अच्छा बैलेंस है, हमारे पास अच्छी प्रॉपर्टी है, कि वी आर वेल एस्टेब्लिश इन इंडिया, कि हम कनाडा में रहने का वापस वहाँ पे रीज़न ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला नोटेड गैप इन स्टडीज़ फ्रॉम 2019 टू डेट, 2019 के बाद उन्होंने कुछ शो ही नहीं किया। द एप्लीकेंट डिड नॉट डिक्लेयर एनी एजुकेशन वर्क हिस्ट्री फ्रॉम 2019 टू प्रेजेंट। अब उन्होंने जो एजेंट था उसने कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया, उसने अगर उसने कोई वॉलंटियर वर्क किया है, कुछ उसने एक्सपीरियंस किया है या फिर कोई ऑनलाइन डिप्लोमा किया है कुछ भी, तो उन्होंने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया एजेंट ने, तो ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। 2019 के बाद कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी कर सकता है बच्चा, 2019 के बाद कुछ भी कर सकता है। वीजा ऑफिसर के माइंड में तो ये कंसर्न रहेगा ही, चाहे आपका 6 महीने का गैप है, चाहे आपका 1 साल का गैप है। एसओपी में मैंडेटरी होता है बताना कि पिछले 6 महीने से मैं आयल्स कर रहा हूँ, या फिर मैं पिछले 6 महीने से स्टडी अब्रॉड प्लानिंग कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से मैं स्टडी अब्रॉड प्लानिंग कर रहा हूँ, जब से मेरे एग्जाम हुए मैंने काफ़ी इंडिया में कॉलेजेस भी देखे हैं तो मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं 1 साल से ये मेरा प्लानिंग है एंड मेरा कंक्लूजन निकला कि मैं कनाडा में फलाना जिम का कॉलेज में मैं अपना एडमिशन लूँ, ये प्रोग्राम करूँ, तो प्लानिंग होती है 1 साल की आपकी स्टडी अब्रॉड प्लानिंग निकल जाती है। तो बट जो बाकी का गैप है वो भी कहीं ना कहीं हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो देखिए आप कि वीज़ा ऑफिसर ने बोला कि कुछ भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया वर्क हिस्ट्री फ्रॉम 2019 टू प्रेजेंट। क्लाइंट सबमिटेड ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द स्कूल अबव, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड रिफ्लेक्ट लो टू लो ग्रेड स्ट्रीम ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन। अब ये लो टू लो मार्क्स बता रहा है। अब कई बार होता है कि केप्स नोट में हमें बताया होता है कि आपके लो टू लो मार्क्स हैं, बट बच्चे की 65% होती है, 70% होते हैं, बच्चा कहता है कि यार मेरे तो अच्छे मार्क्स हैं, बट नहीं, जो आपने ऑप्ट किया है प्रोग्राम, आपने एडवांस डिप्लोमा में जा रहे हो, 3 साल का एडवांस डिप्लोमा है इक्विवेलेंट टू बैचलर, उसमें आप मेजर में जा रहे हो फाइनेंशियल प्लानिंग में, अगर तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग के रेलेवेंट या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई आपका सब्जेक्ट था प्लस टू में, अगर उसमें मार्क्स अच्छे नहीं है तो आपका लो टू लो आएगा, चाहे आपके 90% है। जो आप ऑप्ट कर रहे हो प्रोग्राम मेजर में है जिसमें, उसमें स्कोर आपके अच्छे होने चाहिए तो आप वो प्रोग्राम ऑप्ट करो, तो तभी वीज़ा निकलेगा आपका, तभी आप सेटिस्फाई कर पाओगे वीज़ा ऑफिसर को मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई मैंने ये मेजर में सब्जेक्ट लिया। उससे आगे आप देखिए, उसके बाद जब ये हो गया, चूजन प्रोग्राम एंड कोर्स कॉन्टेंट एट दिस लेवल एट सच एक्सपेंस अपीयर्स इललॉजिकल इन लाइट ऑफ पीएस रिपोर्टर्स स्कॉलरली वर्क हिस्ट्री, दस द प्रपोज प्रोग्राम डज नॉट एडिक्वेटली डेमोस्ट्रेट अ लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ स्टडीज, हैज आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट एप्लीकेंट वुड नॉट हैव ऑलरेडी अचीव्ड द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोग्राम। सो वही मेन बात, वो चीज़ भी एक्सप्लेन नहीं की कि जब आप जिस 30-35 लाख एक सब्जेक्ट पे या फिर एक प्रोग्राम पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वही सेम प्रोग्राम करने के लिए आप इंडिया में भी कर सकते थे, वो आपको 2 लाख में हो जाता, तो आप 30-35 लाख वहीं पे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो। चलो आपने ये सेटिस्फाई कर दिया, उसके बाद अगर आप जब ये प्रोग्राम करके आओगे कनाडा से इंडिया में, तो आपको कौन सी जॉब मिलेगी भाई, आप 30 लाख कितने टाइम में रिकवर कर पाओगे, ये चीज़ सोचिए कहीं आपने, कहीं आपने अपने एप्लीकेशन में बताइए कि हाँ मेरी सैलरी तो 50,000 हो जाएगी, मुझे जे फलाना दिन का कंपनी में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलेगी, उसकी करंटली सैलरी जे है, कि लाइक मैं वहाँ पे मैनेजर बनूंगा, मैनेजर की जॉब सैलरी जे है, मैंने इंडीड में सर्च किया, मैंने जॉब स्ट्रीट पे सर्च किया, ऑनलाइन जॉब्स पे सर्च किया, क्या आपने ये चीज़ें बताई है, कभी आपने सोचा भी अपने माइंड में, तो वीज़ा आपको कैसे मिल सकता है। वो तो लकीली अगर आपको कंसल्टेंट अच्छा मिल गया तो वो तो कर देगा आपके भी हाथ पे, बट आपको भी ये चीज़ें खुद सोचनी चाहिए। केप्स नोट मंगवाने का मतलब ही यही होता है कि हमें एक्चुअल चीज़ पता चल जाए कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुई है। मोर ओवर कई एप्लीकेंट्स पैकेज करते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि उनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाए हैं एप्लीकेशन में, तब हम जो एम्बेसी से जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए होते हैं या फिर आपके एजेंट ने सबमिट किए होते हैं, हम वो डॉक्यूमेंट भी निकलवा लेते हैं, वो भी केप्स नोट के साथ इंक्लूडिंग रीजन के साथ आपके आते हैं, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको जस्ट हमें UCI नंबर या फिर अकेला रिजेक्शन लेटर पकड़वाना है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपके
लगे थे, चाहे विजिटर वीज़ा है, चाहे आपका स्टडी परमिट है, हम आपको बताएंगे कि ये लो आपकी स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट्स की। तो मेन चीज़ यही है, अगर वीज़ा लेना है यू हैव टू वर्क ऑन दैट फैक्टर्स। अकेला अगर आपके 98% है ये मतलब नहीं है कि आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर आपके साथ बैंड है आपका ये मतलब नहीं है वीज़ा आएगा। वो 2017 वो 2018 वाला कनाडा नहीं है। आज की डेट में अगर आपने वीज़ा लेना यू हैव टू हार्ड वर्क ऑन योर एप्लीकेशन। हार्ड वर्क भी नहीं है, गधा भी हार्ड वर्क करता है, बट यू हैव टू बी स्मार्ट। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क कैसे है कि आपको सीखना पड़ेगा कि करंटली कौन से कंसर्न्स है वीज़ा ऑफिसर के, जो मैं जो केप्स नोट की वीडियोस आपको डालता हूँ, ये कोई कंसल्टेंट कुछ नहीं बताता, ये सब हाइड रखते हैं, आपसे लाख लाख दो दो लाख देते हैं। काफ़ी क्लाइंट्स मेरे से बात करते हैं, कोई 1.5 लाख दे चुका होता है कंसल्टेंट को, कोई 2 लाख दे चुका होता है। अरे यार इतना किस बात का देना है, क्यों देना है इतना इस बात का कि आपकी फाइल में क्या कमी है? क्या मैसी ने कहीं पे लिखा है क्राइटेरिया कि अगर आपके 50% है आपका वीज़ा नहीं मिलेगा, कहीं पे लिखा है? तो वाई आप ये चीज़ें क्यों करते हो? आप ये चीज़ें करके वो 2 लाख भी ले लेते हैं, अपनी मन मर्जी से अपने डॉक्यूमेंट भी ऐड ऑन करते हैं। तो फिर हम निकलवाते हैं, देखते हैं, आपको बताते हैं कि देखो ये आपकी तो आर्ट्स की हुई है एंड आपको बनाया पड़ा है उन्होंने इंजीनियर। तो मेन चीज़ यही है कि अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन आज अपनी एप्लीकेशन में डाल दी, आपकी पूरी लाइफ में वो चेंज नहीं हो सकती। अगर आप चेंज करोगे देन आप पे बैन लग जाएगा। सो मेक श्योर आप कंसर्न रहे, आपकी एप्लीकेशन में जो है इंटरफेयर करें, चाहे जहाँ कहीं से भी लगवा रहे हो। तो पता क्या चीज़ होती है, आप कहीं से भी एप्लीकेशन करते हो, मेन चीज़ आपको बताता हूँ, आप बड़ी कंपनी से कर रहे हो, वहाँ पे उन्होंने स्टाफ हायर किया होता है, स्टाफ हायर किया होता है, उन्होंने अपनी सैलरी लेनी है, बट आपकी एप्लीकेशन पे उन्होंने एज अ फॉर्मेलिटी वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, ना ही स्मार्ट वर्क करना है, जस्ट फॉर्म्स फिल करके आपके लगाने हैं, जो कि आप खुद भी कर सकते हो। बट स्मार्ट वर्क अगर आप मेरे से फाइल लगाते हो, मैं तो आपकी फाइल खुद ही हैंडल करता हूँ एट से लेकर जेड तक, आपका सारा कुछ एट से लेकर जेड तक मैं खुद ही करता हूँ, नो स्टाफ इंटरफेरेंस होती है, क्योंकि आपका भी जाएगा आपसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे होगा, सीधी सी बात है। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ राइट डाउन कमेंट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है राइट डाउन कमेंट, मैं अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपका कमेंट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, आप मेरे से अपनी एप्लीकेशन करवाना चाहते हो, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर, आपको नीचे नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके बात भी कर सकते हैं। हमारा ऑफिस है जो दूरी लोकेशन में है, हमारा ऑफिस आपको गूगल मैप पे सर्च करोगे पुनीत इमिग्रेशन, आपको वहाँ पे ऑफिस मिल जाएगा। एंड यार प्लीज़ अगर हमारे जो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, वहाँ पे भी फॉलोवर्स इंक्रीज़ करें, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे भी हम बाय पोस्ट रेगुलरली जो अच्छी सी न्यूज़ होती है कैनेडा की तरफ से हम प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। सत श्री अकाल।